दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज हमने मार्केट से हटके कुछ चीज बताई है जो आप लोगों की कुंडली आती है उसमें हर रोज प्रसन्न भी होता है। तो जब तक मैं बताऊं आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आप भूल जाते हो। वीडियो बहुत देखते हैं पर नहीं करते हैं। अच्छा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओगे तो वीडियो आपको हर रोज जो भी मैं डालता हूँ वो आता रहेगा। ठीक है, तो आज हम बताने क्या जा रहे हैं कि जो आदमी घर पे रह के स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, अब इस बात को पहले समझना। जैसे एक आदमी घर से जाता है ऑफिस या नौकरी कर रहा है वहां काम करता है, या कोई आदमी बिजनेस वाला है दुकान पर जाके काम करता है। ठीक है, एक आदमी क्या करता है कि जैसे अभी ये लॉकडाउन रहा है, कोविड-19 रहा है, तो इसमें अपने घर से काम करना है। ठीक है, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करना जिनको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है ना, एक बार कुंडली में देख लेना कि कहीं ना कहीं उनको वो सूट नहीं कर रहा। खासकर उसमें केतु आता है। ठीक है, केतु आता है, शनि देखते हैं, कुछ रोल बृहस्पति का कम होता है, ऐसा है। तो उनको क्या है, वही चीज आप लोग करना जिसको लॉस होता है ना, घर में बैठ के काम कर रहा है, वो लेके अपना फोन चले जाना कहीं आधा किलोमीटर दूर जाके करके देखना एक। अगर वहां प्रॉफिट होता है तो घर में मत करना, और घर में अगर काम करना है तो मैंने कुछ उपाय बताए, इनको आप कर लेना। छोटे से उपाय हम बोल क्या रहे हैं, उपाय क्या है। एक तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि रोजाना मंदिर में जाना है आपको। ठीक है, तो इससे बृहस्पति अच्छा होता है। दूसरा, कान में सोना पहनने से केतु अच्छा होता है। ठीक है, तीसरा है केसर का तिलक नाभि और मस्तिष्क पे लगाना है। केसर घोल के रख लो, उसका तिलक लगा लो, इससे भी बृहस्पति अच्छा होता है। ठीक, केला का दान करने से भी बृहस्पति अच्छा होता है। तो केतु और बृहस्पति के कुछ उपाय हैं, इन्हें करने से क्या होगा कि जो आपको घर पे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो कुंडली में देखना पड़ता है कि क्या पोजीशन है, कैसे है। तो किसी आदमी को स्टॉक मार्केट घर पर बैठ के करेगा तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा, जब वो दूर जाके करेगा ना तो प्रॉफिट होगा। ये चीज छोटी सी बात है, अगर किसी को लगता है तो इसमें से एक दो कर लो, रोजाना तो करते ही है सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहता है आप लोगों का अक्सर के घर नहीं बन पा रहा। सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफ की, जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जैसे आदमी स्वयं है जो उसको स्वस्थ रहना चाहिए, तो दूसरा रिक्वायरमेंट उसका घर आता है। ठीक है, तो कुछ आदमी का घर नहीं बन पाता है, या घर बनाने लगते हैं तो पैसा नहीं रुकता, पैसा ही खत्म हो जाता है, या उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ भी मकान के अंदर करवाई ना तो वो पैसा रुकना बंद हो जाता है। ये दोष होते हैं शनि के होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, घर नहीं बन पाता है, या एडिशन अल्टरनेशन बोलते हैं, मतलब तोड़वा के दोबारा से जो बनवाना है। तो शनि राहु या तो आमने सामने हो, या शनि के साथ राहु बैठ जाए, तो उस कंडीशन में अपना मकान बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, या तुमने गलती से कहीं मकान तोड़वा के बना दिया तो फिर शनि खराब हो जाता है। तो जब तुम्हें करना हो ये काम, या ये काम स्टार्ट करना हो, तो उस टाइम क्या करना है कि मैंने ये छोटे से उपाय बताए, इसको शुरू कर दो वीक पहले। जैसे मकान बनवाना शुरू करते हो तो दो वीक पहले शुरू कर दो। छोटा सा उपाय देखो क्या करना है तुम लोगों को, 4 बादाम और पूजा वाला नारियल। अभी नारियल का आप लोगों को मैं बता देता हूं, एक नारियल होता है हरे वाला जिसके अंदर पानी निकलता है, वो वाला नारियल नहीं है ये। एक नारियल आता है गोल जो अंदर से गिरी निकाल के रखते हैं, वो वाला भी नारियल नहीं है ये। एक नारियल दूसरा आता है पूजा का, जो जूट नहीं होता, ऐसे फ्लैट सा होता है, ये वो वाला नारियल है। वो नारियल लेना है, 4 बादाम लेने हैं,
ठीक है, नारियल किसका है, शनि के लिए, और बादाम चार ले रहे हैं वो किसके है, राहु के। और चार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि राहु का अंक चार है। ठीक, तो एक नारियल लिया, चार बादाम लिए, उनको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज सात बार घुमाना है। ठीक है, अब तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही नहीं समझोगे, उल्टा काम कर दोगे वहां क्लॉकवाइज। देखो ये मेरा सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ है, आप लोग राइट हैंड है, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं ये क्लॉकवाइज है, जब लेफ्ट से शुरू कर रहे हो तुम लोग तो एंटी क्लॉकवाइज है, या तुम जब गोल चक्कर लगाते हो लेफ्ट हाथ अंदर आए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, सीधा हाथ अंदर आ रहा है क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि तुम लोग गलती करोगे। एंटी क्लॉकवाइज सर से सात बार घुमाना है और उतार के उसको पानी के अंदर, बहता पानी जो साफ हो उसके अंदर उसको डालना है। तो जब तक मकान बने जब तक करते रहो, और एडिशन अल्टरनेशन करना है महीना में तो चार दिन करते रहो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 25-30 रुपए का खर्चा है, मतलब एक महीना में होना है तो 100-125 रुपए का खर्चा है। ठीक है, ये उपाय हमें देखने में और उसमें ऐसे लगते हैं कि बेकार है, लेकिन ये जो चीज होती है ना, मैं यहाँ पे बताई, ये जीवन बदलने वाली चीजें होती हैं आदमी की, आप लोग इन चीजों को करो। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के क्वेश्चन रहते थे या मेरे को लगा आज, तो मैंने ये छोटा सा 5-7 मिनट का एक वीडियो बना के आप लोगों को डाल दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करना, मैं इसको और भी जो जितने क्वेश्चन रहते हैं ना नॉर्मल, वो मैं एक एक करके समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।